बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? यकीन ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लेके आई हूँ क्रोएशिया के बेबी फ्रॉक्स, बहुत स्टाइलिश, बहुत कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, बहुत ही नरम, जिन आपको बहुत पसंद आएंगे। एक आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो गौर से देखिएगा। अगर आपको कटिंग स्टिचिंग आती है तो आप घर पे बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर नहीं तो किसी स्टिचिंग वाली को देख के ये ज़रूर ट्राई करवाइएगा। ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं, ये आप अपने तरीके से भी सिलाई स्टिचिंग करवा सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। आप इस इन पे बटन्स भी लगा सकते हैं, लेसेस पे लगवा सकते हैं, लटकन्स भी लगा सकते हैं, रिबन भी लगा सकते हैं, फ्लावर्स भी लगा सकते हैं, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें लगा सकते हैं। नेट की पेटिस भी बनवा सकते हैं, जैसे आपको अच्छी लगे, जैसे आपको इजी लगे। और ये क्रोएशिया का धागा भी बहुत ही मज़बूत होता है, आप इन्हें भी ट्राई किया करें। क्रोएशिया से बहुत ज़्यादा चीज़ें बन सकती हैं, क्रोएशिया से फ्लावर्स बन सकते हैं, क्रोशिया से बेबी फ्रॉक बना सकते हैं, बड़े फ्रॉक भी बना सकते हैं, शर्ट्स बना सकते हैं। और ये हम दामन पे और नेकलाइन डिज़ाइन के लिए फ्लावर्स भी बना सकते हैं, नेकलाइन डिज़ाइन भी बना सकते हैं, हैंड बैग भी बना सकते हैं, बेडशीट भी बना सकते हैं, कैप भी बना सकते हैं, शॉल भी बना सकते हैं, और बेबी शूज़ भी बना सकते हैं, लेडीज़ शूज़ भी बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे आप बनाना चाहें तो। हम तकिए पे भी क्रोएशिया की कढ़ाई कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छी लगे तो। ये बेबी फ्रॉक ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं, आपका बेबी इसमें कंफर्टेबल रहेगा। ये आप कहीं भी पहना के बेबी को ले जा सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो अभी कर लीजिएगा, साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचता रहे। हमें दुआ में याद कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।